समय निकलने के बाद अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए, मेरे दोस्त के यहाँ पे उसके अंकल आए, मेरी उम्र का था, और अंकल ने उससे पूछा, बेटा आजकल क्या कर रहे हो? बोला अंकल कुछ नहीं, फॉर्म भर रहा हूँ। फॉर्म तो अंकल बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटा फॉर्म वॉर्म भरने का सिलसिला जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो, तो जिंदगी भर फॉर्म भरते निकल जाएगी, मांग तो कभी भर ना पाओगे। मेरी बातें समझ में आ रही है, उसको नहीं समझ में आ रही, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो बाहर आइए उससे, बाहर आइए। तो फ्रेंड्स, एक बिल्डर बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था, मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा बैक लाइफ में, ये सब चीजें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप चले जाइएगा मेरे चैनल पे, इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे चले जाइएगा, फेसबुक पे चले जाइएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में निपटाऊंगा। ये चीजें तो आज की डेट में गूगल भी बता देगा, जरूरी नहीं कि मैं बताऊंगा, गूगल में भी मिल जाएगी आपको, बट मैं फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा का रहने वाला, भोपाल शहर के गया हुआ था मैं इंजीनियरिंग करने के लिए। मेरी फैमिली ने मुझे समझाया था, सिखाया था कि बेटा इंजीनियरिंग कर, पढ़ाई कर, जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी जिंदगी होगी। मतलब वो दीपू सर बोले थे ना, पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, ये हर परिवार सिखाता है अपने बच्चे, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया था, और मैं ठीक ठाक फैमिली से था, मतलब बहुत ज्यादा पुअर भी नहीं बोलूंगा और एकदम रिच भी नहीं बोलूंगा, इतनी बढ़िया फैमिली थी मेरी कि जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मेरे घर वालों के पास पैसा था, इतना ठीक ठाक पैसा था मेरे घर के अंदर, जब मैं प्लस वन प्लस टू कर रहा था तो मैं अपनी खुद की बाइक से स्कूल जाया करता, इतना पैसा था मेरे घर में कि जब एंट्रेंस तैयार करने की बारी आई इंजीनियरिंग का, तो उस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे कोचिंग करने के लिए पैसा बराबर दिया गया, भरपूर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी। जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, जब मुझे भोपाल के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ, मध्य प्रदेश का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक TIIT मुझे अलॉट हुआ, तो उस कॉलेज की फीस देने के लिए हमें किसी बैंक के सामने सहारे के रूप में जाकर के लोन नहीं मांगना, इतना पैसा था घर में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी, फादर की गवर्नमेंट जॉब थी जो मुझे पता था कि आज नहीं तो कल रिटायरमेंट के परवाज में चढ़ जाएगी, और मैं घर में इकलौता हूं, मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे परिवार संभालना पड़ेगा, क्योंकि अलग से कोई फैमिली बिजनेस था नहीं, ऊपर वाला कभी भी सब कुछ देके नहीं बेचता, कुछ देगा तो कुछ छीन लेगा, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? Yes. बिजनेस देगा तो सिक्योरिटी छीन लेगा, सरकारी नौकरी देगा तो स्वभाव ही सिखानी आदमी को तैयार कर देगा। तो अक्सर मेरे परिवार में बातें होती थी, पापा जी मेरे अक्सर मुझे समझाया करते थे कि बेटा ठीक है हम तुझे सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन तुझे ही जिम्मेदारी उठानी है, तुझे ही सब कुछ संभालना, इसलिए पढ़ाई कर, मन लगा के पढ़ाई कर। और उस टाइम में सिविल सर्विसेज को लेकर के बड़ा पैशनेट होता था, वो मेरा सपना था लाइफ का पहला, जो मुझे किसी ने दिखाया था, जब मैं मेरे फादर से मिलने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाया करता था तो वहां पे ग्रेड वन ऑफिसर्स में देखता था, मिलता था, तो एक विजन बन गया था, क्या होता ना, आप जिसको देखते हो उसके जैसे बनने ही सोचते हो। यस, सही बात है। Yes. घर में किसी के आसपास से कोई पटवारी लग गया तो व्यक्ति सोचने लग जाता है कि यार अपन भी पटवारी का फॉर्म भरेंगे, अपन ही पटवारी लगेंगे। गांव से अगर किसी एक बंदे का आर्मी में सिलेक्शन हो जाए तो दूसरे दिन पूरे गांव के लड़के वहां ग्राउंड में खेत में दिखने लग जाते हैं। Yes. दौड़ते हुए एक्सरसाइज करते हुए। अगर आसपास किसी लड़की की संविदा वर्ग या वर्ग दो में सिलेक्शन हो जाए तो बाकी सारे के सारे बीएड करते हुए नजर आते हैं। Yes. होता है ना? Yes. होता है कि नहीं होता? तो भाई उसी माहौल में थे कि चूंकि मैं ग्रेटर वन ऑफिसर्स को देख रहा था तो मेरे माइंड में भी सबसे जो पहली सेटिंग जमी, जो माइंडसेट सबसे पहला आया, वो आया कि यार मुझे सिविल सेक्टर के अंदर जाना है, मैं उसको लेकर के पैशनेट हुआ। लेकिन एक चीज जो कॉमन सेंस मेरे अंदर पहले से था, ये मैं मानता हूं, कई बार ना हमारे सारे सेंसेस होते हैं इंसान के अंदर, कहते हैं कि ढेर सारे सेंस है, सूंघना एक सेंस है, सुनना एक सेंस है, बोलना एक सेंस है, ये सारे सेंसेस आपके लिए काम करते हैं, सारे सेंस होते हैं लेकिन कॉमन सेंस नहीं होता। यस, बट अपना कॉमन सेंस स्ट्रांग था, ये पता था कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस कंपटीशन का हिस्सा मुझे बनना पड़ेगा, इस कंपटीशन का भाई सही मायने में जाए तो सामना है, चैलेंज मुझे फेस करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली का जो टाइम था उन्होंने कर लिया, उन्होंने अपने टाइम में कंपटीशन फेस कर लिया, और सही मायने में उनके टाइम में उतना कॉम्पिटिशन भी नहीं था। 90s के टाइम में अगर आप जाओगे तो 90s का जो टाइम था वो एक अलग ही ट्रेंड था, पांचवी पढ़ ली, आठवीं पढ़ ली, दस पढ़ ली, बारह पढ़ ली, कॉलेज कर ली, ग्रेजुएशन मास्टर्स पीएचडी वीएचडी कर ली, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसे कोई ना कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ गवार हो, तो परिवार वाले बढ़िया से ये किराने की दुकान खुलवा देते थे, दूध डेयरी खुलवा देते थे,
कुछ भी आपके लिए बढ़िया छोटा मोटा व्यापार चालू करवा देते थे, आप खेती बाड़ी में लग जाते थे परिवार के साथ और आप पैसे कमाने लग जाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। ऐसे ही होता था? यस। लेकिन क्या आज भी ऐसे ही हो रहा है? बेहतर से बेहतर क्वालिफिकेशन करने के बाद अगर बच्चे की नौकरी ना लगे और परिवार सोचे कि उसके लिए धंधा पानी खुलवा देता हूँ, तो धंधा भी नहीं संभाल पा रहा, घर की खेती बाड़ी भी नहीं संभाल पा रहा। यस। और परिवार वाले चीज से हैरान है कि अब कमाना तो दूर की बात है, चार पैसे कमा के लाना तो दूर की बात है, जो पहले से है वो भी खत्म करते चला जा रहा है। ये अलग हो जा रहा है आज की डेट में मार्केट, क्योंकि क्या नहीं है आज सोच में, घर में सोफा सेट हो ना हो, माइंड सेट होना बड़ा जरूरी है। यस yes. लेकिन माइंड ही सेट नहीं होता, हम ये समझ ही नहीं पाते। एक बार में क्या हुआ, एक बच्चा मार्केट में गया, 2 रुपए की मोमबत्ती खरीद के लेकर के आया और घर में मोमबत्ती जला करके कुछ ढूंढ रहा था। बाप आया, बाप ने आकर के पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहा है? बोले कुछ नहीं, मेरा 50 पैसे का सिक्का घूम गया। 50 पैसे का सिक्का घूमा है, वो ढूंढने के लिए कितने की मोमबत्ती लेकर आया? 2 रुपए की। आजकल हमारा हाल भी हो गया, सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। विजुलाइजेशन की जो हमारी क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। यस। डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं बस, डिप्लोमा इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ अभी कोई बात कर रहा था कि 12th के, जैसे विजय जी बात कर रहे थे कि 12th के एग्जाम के दौरान इन्हें इंडस्ट्री मिली। मुझे भी ये इंडस्ट्री मिली तब मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार इस तरह से विनिक प्लान है, ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है MYL, और इस तरीके से सारी बातें हुई हमारी। जब डिस्कशन में सब कुछ हुआ तो मैंने एक सिंपल तरीके से अपने दोस्त के सामने बात रखी कि यार करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो घर से मुझे पॉकेट मनी आता है वो ना लेना पड़े, मैं अपने पॉकेट मनी का सारा खर्चा खुद उठा लूं, और मुझे लग रहा है कि इस काम को करके मैं ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन भाई शुरुआत करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन घर से अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे आप बहुत अच्छी फैमिली से थे, हाँ बिल्कुल सच है, लेकिन स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को घर से लिमिटेड ही पैसा मिलता है। यस। पैसे मिलता था घर से, लेकिन किस चीज के लिए? बाइक दिलवाई गई, पेट्रोल डलवाने, भोपाल में कमरा दिलवाया गया तो रेंट दे दी गई, मेज के खर्चे के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज की सेशनल फाइल प्रैक्टिकल फाइल बना, और उसके अलावा दिया जाता था घर से चेक, कॉलेज की फीस पे कर, दैट्स ऑल। उसके ऊपर 10 रुपए नहीं मिलता, उसके ऊपर अगर 10 रुपए भी चाहिए तो फिर आपको बताना पड़ता था कि पैसे क्यों चाहिए आपको, क्योंकि डर होता है ना कि भाई बच्चा गया है बाहर कहीं हाथ से ना निकल जाए, कहीं गलत संगत में ना चले जाए, और पैसे तो बड़ी चीज होती क्या है आज की डेट, सबसे तेजी से बिगाड़ता है। मतलब आज की जनरेशन को बिगाड़ने का सबसे अच्छा तरीका अगर कुछ है तो वो ये है कि उसके हाथ में पैसे पड़ रहा। यस। सही बात है। यस। और अगर उसे बिगड़ने से बचाना है तो सिंपल सा काम, उसको गरीब बना, पैसे ही मत दो उसको, फिर देखो आप कैसे सुधरता है। तो ऐसे ही कुछ आलम मेरे घर में था, मेरा परिवार तो वेल एजुकेटेड था, उन्हें अच्छे से पता था कि बच्चे को कैसे पालना है, वो मुझे ज्यादा पैसे लेते नहीं थे, तो मैंने कहा यार शुरुआत तो मैं कर दूं लेकिन पैसे नहीं। और दूसरा मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये कि अगर मैं अपने घर में इस चीज की चर्चा करूंगा तो मना कर देंगे। ये मुझे एकदम क्लियर था, कोई समझाया कि नहीं किसी ने मुझे, मुझे क्लियर था कि मैं परिवार में बताऊंगा तो मना कर देंगे, इसलिए नहीं कि उन्हें मेरा करियर पसंद नहीं, इसलिए नहीं कि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं या मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमारे बच्चे का जो करियर है वो एजुकेशन में, और अगर ये कुछ और करने जाएगा तो इसका एजुकेशन, इसका क्वालिफिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मेरी फैमिली की सोच थी और ये मुझे पता था पहले से कि ऐसा मेरे साथ होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि बॉस अगर आपने शुरू करना है, अभिनीत अगर तुझे शुरू करना है तो डिसीजन तुझे खुद लेना पड़ेगा। यस। तो डिसीजन तुम्हें लेने को तैयार था पर समस्या थी ऐसा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो आप अपने जुगाड़ निकाला दिमाग में, जुगाड़ तुम्हारे तो हम लोग तिकड़म पान पड़े होते इंडियंस है ना भाई। किसी ने पूछा कि इंडिया में कोरोना वैसा कहर क्यों नहीं बचा पाया जैसे दुनिया में बचा रहा है, बोले इंडिया है, यहां मां बाप नजर उतार के लोग निकुलाइजर से सांस लेके भाप लेके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो तुलसी का काढ़ा पी करके लहसुन सूख के कोरोना से ठीक हो गए, बाकी वैक्सीन अच्छी तरह से। यस।
भाई अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टॉप लेवल पे किसी इंजीनियर को देखोगे तो वो इंडिया से है। हॉटमेल जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मेल इस्तेमाल किया जाता है वो इंडियंस ने बनाया है, इंडिया वाले ने बनाया हुआ है लगातार इंडियंस। इवन अगर आप यूके जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर लोग जो दिखाई देंगे वो इंडिया से, इतने शार्प माइंडेड है। मतलब ये बात फैक्ट है कि इंडिया वालों को पैसा कमाना बहुत आता है, लेकिन इसमें कौन सी नई बात है, दुनिया में और भी लोगों को आता है। बात पैसे कमाने बस की नहीं, एक्चुअली क्या इंडिया में सिर्फ पैसा कमाना नहीं आता, इंडिया में पैसा बचाना भी आता है। सही बात है। मतलब जब हम कोई कपड़े खरीदते हैं तो शुरुआत में शादी में पहनने के काम आते हैं, जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो डेली पहनना शुरू कर देते हैं, जब वही कपड़े थोड़े से छोटे होते हैं या हमें लगता है कि हम डेली पहनने लायक नहीं रहे तो रात में सोते समय पहन लेते हैं, हमारे लिए वो नाइटी भी बन जाता है। सही है नहीं? यस। हमारा उसके भी काम आ जाता है। ठीक। फिर अगर मान लो कहीं से फट गया है कुछ हो गया तो हम क्या करते हैं उसको कि घर पे मम्मी जी लोग ले लेती है, बढ़िया बढ़िया रोटी वोटी सेक रही है तो उसमें काम आ जाता है। सही बात है। यस। उस कपड़े की हालत अगर और पैंट हो गई तो फिर वो पोछेगी काम। तो ये तो चीज ऐसा है कि बचपन से गॉड गिफ्टेड बोल दो या फिर आप होम गिफ्टेड बोल दो, ये बचपन से सभी को दी जाती है। जुगाड़ बड़े होते हैं तो मैंने सोच लिया कि मैंने जुगाड़ करना, और मुझे पता था कि भाई मेरे को जुगाड़ जो है अगर मेरा 10-15 हजार का जो जुगाड़ है वो घर से ही होगा, पर वो काम के नाम से तो नहीं मिलेगा, एमवाईएल के नाम से तो नहीं मिलेगा, नेटवर्किंग के नाम से तो नहीं मिलेगा। मैंने पहली बार घर में पैसे के लिए झूठ, ऐसा नहीं कि परिवार में झूठ कई लोगों अभी कई लोग बोलेंगे अच्छा ये नेटवर्किंग वाले ये एम्पायर वाले झूठ बोलना सीखा। आपको क्या लगता है इतना सच्चा है आपका बच्चा? इतना सच्चा है? अगर इतना ही सच्चा है तो 4 दिन पहले आप उसकी धुलाई क्यों कर रहे हैं? दुनिया भर की चीजों के लिए, गैर फिजूल चीजों के लिए, गैर वाजिब चीजों के लिए घर में जिद करते हैं बच्चे, झूठ बोलते हैं। ना जाने मैंने भी कितनी बार किया, पर पहली बार पैसे के लिए झूठ बोला। लेकिन हाँ ये मुझे आज भी गर्व है इस बात पे, 13 साल बाद जब मैं पलट कर देखता हूँ मेरी फैमिली को आज अच्छे से पता है कि यार किसी जमाने में मैंने झूठ बोल करके पैसा लिया था, लेकिन उन्होंने उस बात का गम नहीं है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है लड़के ने पैसे लिए थे झूठ बोल करके, लेकिन जुआ खेलने के लिए नहीं लिए। शराब पीने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन गुटखा खाने के लिए लिए थे। पैसे लिए थे वैलेंटाइन गिफ्ट मनाने के लिए नहीं लिए। पैसे लिए थे क्योंकि उसे लगा कि उसे कुछ शुरू करना चाहिए और उसने शुरुआत की। मैंने जुगाड़ किया क्योंकि मेरे को पता था कि जेब में गांधी नहीं है लेकिन दिल में आंधी है। और वो आंधी को आगे लेकर के जाना, मैंने शुरुआत कर दी एम्पायर के साथ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के साथ शुरुआत कर दी। अब जब डायरेक्ट सेलिंग के साथ शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज क्या आता है कि बिजनेस नया है, हम उस बिलीव लेवल पे नहीं जा पाते, हमें विश्वास जो है ना हमारा बार बार डिपेंड आता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रोक टोक करने वाले जरूरत से ज्यादा है। और दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सही बात है। मतलब आज की डेट में लोग इस चीज से परेशान नहीं है कि मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, उसको इस चीज की टेंशन ज्यादा है कि वो बगल वाले के घर से पनीर की खुशबू क्यों आ रही है। सही बात है। और जहां दिख गया कि कुछ कर रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है तुरंत ना होगा। सीमा जी ने बताया कि भाई इन्होंने जब अपने बड़े भाई साहब से चर्चा की तो भाई साहब ने कहा कि यार ठीक है करना चाह रही है बात सही है, लेकिन मैं तो ये सब नहीं करवाना चाहूंगा तुझे, और भी 2-4 बातें उन्होंने बोली होगी। क्या होता है ना आज की डेट में मार्केट में टांग खींचने वाले बहुत ज्यादा है। इंडिया का सबसे फेमस खेल कबड्डी। एक बार भाई विदेश में इंडिया से कुछ मतलब सी फूड चलता है तो इसलिए इंडिया से कुछ पकड़ करके लेकर जा रहे हैं, तो बिच्छू को पकड़ करके लेके जा रहे थे तो चाइना से जो बिच्छू पकड़ कर लेके गए वो बाउल बंद था, अमेरिका वाला बाउल बंद था, थाईलैंड वाला बाउल बंद था, इंडिया वाला बाउल खुला हुआ। किसी ने देखा और बोला बोले तुमको नहीं लगता कि तुमने ये बाउल खुला छोड़ दिया है तो ये सारे बिच्छू बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले तुम खुद देखो अच्छे से। उसने देखा थोड़ी देर आधे घंटे, उसने बोला हाँ बात तो सही है बाहर तो नहीं आ पाए, क्योंकि जैसे ही एक बिच्छू बाहर आने की कोशिश कर रहा है दूसरा पकड़ के उसकी टांग खींच तो बात तो सही है यार, ये है कहां से बाउल, बाकी सारे बंद हैं, उनको खोल देंगे तो सारे बाहर आ जाएंगे, ये बाहर नहीं आ रहे। बोले ये इंडिया से।
इंडिया में टांग खींचने का कल्चर बहुत ज्यादा है, और ये टांग खींचने वाले बड़े गिरगिट की तरह होते हैं। मतलब वही लोग जो शुरुआत में आपको डिसाइज करेंगे, वही लोग जो आपका मजाक उड़ाएंगे, वही लोग जो आपको कमेंट करेंगे, वही लोग जो हर जगह रोका टोकी करेंगे, एक बार आप कामयाब होकर के देखो, एक बार आप कुछ बड़ा कर जाओ, फिर उसके बाद देखो इनकी भाषा शैली में बदलाव हो जाता है। हमको तो पहले से पता था हमारी बच्ची कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर रही है। हम तो पहले ही बोले हमारा बच्चा कुछ कर जाएगा। अब हम याद कर रहे, सोच रहे यार कब बोला था, सबसे तो मना इसी ने किया। तो ये इंडिया का कल्चर है। ये तो सीमा जी ने बताया कि जब 95% लेकर गए, उसके पहले तो घर वालों ने सोच ये थी कि जैसे बड़ी बहन की शादी करती इसकी भी शादी कर देगी, पर जैसे 95% लेकर गए, नहीं बच्ची हमारी पढ़ेगी। मतलब इससे एक बात और रियलाइज होती है, ऐसा नहीं है कि परिवार सपोर्ट नहीं करना चाहता, या आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता, या मार्केट को आपके आगे बढ़ने में तकलीफ है, पर यह बात सच है कि सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे थे वो राजा राम चाहे थे गौतम। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे, तब तक लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। रोका टोकी चल रहे हो, चलती रहेगी वो। ये दुनिया है, दुनिया ने किसको नहीं रोका, किसको नहीं टोका, मुझे बताइए। क्या श्री कृष्ण को नहीं रोका गया था? भाई कुछ लोग अगर उन्हें कान्हा बोलते हैं तो कुछ लोग माखन चोर भी तो बोलते हैं। कुछ लोग अगर प्रभु बोल के उनका भाई तस्वीर घर में लगाते हैं तो कुछ लोग उन्हें भाई रणछोड़ भी तो बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बोला नहीं जाता। कुछ लोग अगर रामचंद्र को राम प्रभु बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि पता है धोबी की बात में आके साला अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। ये भी कोई कैरेक्टर होता है? अब बोलने वालों ने तो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आप और हम है क्या? अरे कहते हैं लोग, कहते रहेंगे, वो कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे। यस, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बातों को, इन बातों में क्या रहना, सही बात है। yes. अरे कह रहे हैं लोग, कहने दो। जो ऐसे लोग कर रहे हैं उसे हम टोकना कहते हैं, और जो हम आपसे करने को बोलते हैं उसे जान छोकना कहते हैं। और होगा उनके नजरिए में वो सारा बातें करना, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा गए हमें कि उसे कुत्तों के जैसे भौंकना कहते हैं। बुजुर्गों ने पहले से सिखाया है कि कुत्ते भौंके हजार और हाथी चले हजार। तो हाथी की तरह चलते रहो, लोगों को भौंकने दो। मुझे भी लोगों ने कमेंट किए थे, मुझे भी लोगों ने मना किया था, लेकिन मेरा नजरिया स्ट्रांग था, मेरा एटीट्यूड स्ट्रांग था। मैंने एक बात जान ली थी कि आज नहीं तो कल मुझे अपना करियर बनाने के लिए चाहे इस इंडस्ट्री में चाहे मार्केट में मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना उसके तो सफलता नहीं। मतलब ये जो आज की डेट में लोग बैठ करके व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम की यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में लगे रहते हैं ना, दो चार मोटिवेशनल डायलॉग देख लेते हैं, दो चार दोस्तों ने लिंक भेज दी होती है और सोचते हैं बस लिंक शेयर कर करके हम करोड़पति बन जाएंगे। कुछ नहीं होना, जो है वो भी चला जाएगा तुम्हारा, मैं भी बता देना। साइबर सेल में जाकर भी देखना, हजारों लाखों कंप्लेंट पड़ी है उनके पास, और अगर वहां जाओगे ना तो दो चार तुमको कंप्लेंट करने अगर बगल आते हुए दिख जाएंगे, जो ये बोलेंगे सर वो फलाने वाली लिंक आई थी हमने क्लिक किया है तो हमारा अकाउंट 50,000 हो गए। और क्यों लिंक में क्लिक किया? बोलो हमने बताया था कि तुमको 50,00,000 की लॉटरी लगी। बच कर रही है आज की दुनिया में ये सब बहुत चल रहा है, बाहर आई हुई। देखिये दुनिया में ना एक बात कही जा रही है, बड़ी अच्छी बात, मेरे दादाजी मुझे समझाते थे कि अभी 2.5 अक्षर का एक शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का एक शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का एक और शब्द होता है किस्मत, लेकिन और शब्द एक 4 अक्षर का मेहनत, जो इन तीनों पे भारी पड़ता है। किस्मत, नसीब, भाग्य सब कुछ आपके लिए काम करेगा, लेकिन तब जब मेहनत इसके साथ लगेगी। अगर मेहनत नाम की चीज उसके साथ नहीं लगी है तो बाकी चीजों का कोई मायने नहीं रखता। मेरे दोस्तों से मैंने आज से 8 साल पहले प्लान समझाया, मैंने उसे समझाया यार ऐसा ऐसा काम है मेरा प्रदीप भाई और तुम इतने तक आगे बढ़ोगे, तो वो क्या बोलता है, मैंने मेरी कुंडली पहले दिखा दी, मेरी कुंडली में राज योग है, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं।
अभी मिला कुछ दिन पहले मुझे रेलवे स्टेशन में छिपा, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, वो बाहर आजकल एक मशीन लगी रहती है ना टिकट काटने वाली अलग से, ठीक है, सरकारी वाले बात नहीं कर रहे, अंदर बैठ के टिकट काटने वाला नहीं, जो बाहर मशीन लगी रहती है, एक झोला लटकाया हुआ था और टिकट काट रहा था, बोलते अपनी कहाँ जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, मुझे रुक टिकट दे दू, मैं कह नहीं भाई मेरा पहले से रिजर्वेशन, यार बढ़िया राजयोग चल रहा है तुम्हारा, राजयोग है मतलब स्टेशन खरीद लिए होगे तुमने, यहाँ किसकी स्कूटी का देख रहे, तो बोलता है यार क्यों मजाक उड़ा रहा है, मैं कहा मजाक ना उड़ा रहा हूँ, मजाक क्यों कर रहा था 8 साल पहले, बोले मैंने अच्छा मैंने दोबारा कुंडली दिखाया, गया उस पंडित के पास, बोले हाँ गया, मैं क्या बोला पंडित, पंडित बोलता राजयोग तो अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए युद्ध भी तो लड़ दे, जब लोग मेरे लिए बातें करते थे तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब मैंने एक चीज मान ली कि दुनिया में सबसे ज्यादा पत्थर उस पेड़ पे पड़ते हैं जहां सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं, तो अगर सबसे ज्यादा फल देने वाला पेड़ बनना है तो पत्थरों का सामना तो करना पड़ेगा, अगर मुझे कामयाब होना है तो सबसे पहला चैलेंज यह होगा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा मेरे आसपास जो मुझे बोलेगा कि पागल, और जितना ज्यादा लोग ये बोलना शुरू कर देंगे उतना ज्यादा मैं कामयाब होना शुरू हो जाऊंगा, yes. और ये मेरे साथ हुआ, मतलब किताबी बातें नहीं कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं, जब लाइफ में पहली बार मैंने टाई लगाई, मैं ब्लेजर पहन करके निकला, तो कुछ लोगों ने बोला शादी में जा रहे हो, मैं कहने नहीं काम से, अच्छा अच्छा कंपनी अच्छा बंदे जोड़ने जा रहे हो, थोड़ा सा बुरा लगा मुझे, मेरे परिवार को बुरा लग गया, मेरे पापा बुरा मान, पापा मेरे बोलते हैं कल से अब ये सब काम हम तेरा कंपनी अपनी सब बंद, मैं कहा क्यों क्या हो क्या गया हुआ क्या, अभी 2 साल से तो कर रहा था अभी अचानक क्या हो गया, बोले नहीं नहीं ये सब नहीं करने का, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम कॉलेज जाओगे तुम कोचिंग जाओगे तुमको और तैयारी करना है दिल्ली जाना तुम वहां जाओ, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, नहीं होगा हम तर्जा लेके लगाएंगे, क्या हुआ क्या ये तो बताओ, बोले नहीं हमको कुछ लोगों ने बोला कि ये तुम्हारा लड़का अच्छा खासा इंजीनियर बनता पढ़ाई लिखाई करता पढ़ने में भी तेज तर्रार था, वो तब सिविल सर्विस क्वालिफाई करता कलेक्टर उलेक्टर लग जाता, कहां कंपनी के चक्कर भेज दियो लड़के को, आपको लेके मतलब दो लोगों ने आपसे ये बोल दिया कि लड़का कंपनी के चक्कर में पड़ा है इसके चक्कर में बुरा मानते हैं, मैं कहा आपको तो अभी कुछ दिन पहले लोगों ने बोला, मेरे को तो 2 साल से बोल रहे हैं, डेली सुनता हूं मैं तो ये बात, बोले तुझे बुरा नहीं लगता, या क्यों नहीं लगेगा बुरा, बिल्कुल लगता है बुरा, तो बोले फिर छोड़ता क्यों नहीं, मैं कहा इसलिए नहीं छोड़ता हूं कि एक दिन ऐसा लेकर के आऊंगा कि यही लोग बोलेंगे कि अच्छा है साला कंपनी के चक्कर में था तो आज करोड़पति बन गया, हमारे लड़के को भी लगाओ ये बात बोलना चाहिए, yes. Yes. मेरे साथ आए मेरे साथ हुआ प्रैक्टिकल, मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे बोला करते थे आपको भी शायद मिलेंगे बोलेंगे कि जब तेरे साथ कुछ जुड़ जाए तो हमें बताना हम भी जुड़ जाएंगे, जब मेरे साथ लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया मेरा नेटवर्क बनना शुरू हो गया, मैं गया दोस्तों के पास, मैंने उन्हें बताया देखो मेरे साथ काफी लोग जुड़ जाए तुम भी जुड़ जाओ, उन्होंने तो बोला था कि तुम जुड़ोगे, तो उन्होंने बोला 2-4-10 लोग जुड़ने से क्या होगा, मैंने 10-50 हजार कमा लिए फिर बताना, मैंने 25-50 हजार कमा लिया, मैं गया मैंने कहा 25-50 हजार भी कमा लिया अब शुरू कर दे, 25-50 हजार कमाने से होता है जब महीने का 50 हजार आ जाए तब बता, कुछ समय मैंने और मेहनत की जब मेरा महीने का 50 हजार आने लग गया मैंने बताया देखा तो महीने का 50 हजार कमाने लगे, तो ठीक है क्या आप पड़ता महीने का 50 हजार कमाने से, 50 हजार तो आज की डेट में कोई भी कमा लेता है, कम से कम 6 डिजिट की इनकम हो 1,00,000 क्रॉस कर जाए, तू बोला था भाई इंडस्ट्री बड़ी है बहुत बड़ा बिजनेस है काम बहुत बड़ा है, जब तेरी 4-व्हीलर 8-व्हीलर आ जाए जब अंगला उंगला बन जाए तब बताना, एक समय के बाद जब मेरी 1,00,000 रुपए इनकम क्रॉस हो गई जब मैंने 4-व्हीलर भी ले ली जब अंगला भी ले लिया तो मिठाई लेकर गया उसके पास, अगले वही मिठाई का, अब मैंने उसको नहीं बोला तो शुरू कर बोला ही नहीं मैंने उससे, मैं मिठाई खिला करके वहां से लौटने लग गया, तो मुझे क्या बोलता पता है अभिनीत भाई मैं शुरू करने की सोच तो रहा पर मेरे मन में एक बात आई कि जब तू जुड़ा था ना अगर तब मैं भी जुड़ गया होता ना तो अभी अपन दोनों मिलके किसी को मिठाई खिला रहे हैं।
कि कुछ लोग करके देखते हैं कुछ लोग देख के करते हैं, लेकिन करते दोनों है। भाई आज से बहुत साल पहले जब प्लास्टिक इंडस्ट्री आई लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन आज कौन सा ऐसा परिवार है जो प्लास्टिक का भाई इस्तेमाल नहीं करता, बताइए मुझे। जबकि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट प्लास्टिक पे बैन लगा के चली जा रही है। प्लास्टिक हानिकारक, सुबह कचरे की गाड़ी आती है तो प्लास्टिक के बारे में सुनाती है चार बातें, है ना, पॉलिथीन मतलब पॉइजन, ये चलता है ना भाई। उसके बाद जब पेट्रोलियम आया तो पेट्रोलियम पर भी लोग अपोज करते, मना करते, बोले कौन खरीदता है कौन बेचता है, पर आज के डेट में बिना पेट्रोल डीजल की कोई गाड़ी चलती नहीं है। और 10-15 साल का बचा हुआ है, 10-15 साल के बाद वैसे भी खत्म हो जाना है, इसलिए टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आ गया, इसलिए टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है, सही बात है, ये स्वाभाविक है। लेकिन आज वो सब लोग एक्सेप्ट करके बैठे, पहले लोग मना कर रहे थे। जब प्रॉपर्टीज जमीनें खरीदने बेचने की बात चालू हुई तो लोग मना करते थे, लेकिन आज की डेट में जब व्यक्ति थोड़ा पैसा कमाना चालू होता है सबसे पहला सपना यही होता है कि कहीं छोटा सा प्लॉट लेकर के मैं अपना खुद का एक घर बनवा लूं, अपनी छत होनी चाहिए, सही बात है। yes. नहीं yes. सर 2000 के जमाने में जब मोबाइल नए नए आया, टेक्नोलॉजी नई नई आई, इंटरनेट नया नया आया, तो लोगों ने बोला ये डब्बा किसी काम का नहीं। लेकिन आज की डेट में कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई बैंक, कोई रेलवे, कोई एयरपोर्ट, कोई शॉपिंग मॉल, कोई होटल, कोई मोटल, इवन डेली लाइफ में आप बोलो कोई ऐसा है जो सेलफोन का इस्तेमाल ना कर रहा हूं, इवन हम इतना एडिक्टेड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम 10 मिनट भी फ्री बैठे हुए तो हम उठा करके मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रील्स ही देख रहे हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। और अगर हम सही मायने में देखें तो हमारे डेली यूसेज के भी ज्यादातर जो काम है वो मोबाइल और वही टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। भाई अगर आपको राशन का कुछ काम करवाना है तो वो बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए होता है, सही बात है, राशन दुकान के जरिए काम होता है। अगर आज की डेट में आपको गैस का नंबर लगाना है तो वो भी आईवीआर सिस्टम के जरिए होता है। इवन अगर आपको अपना कोई एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है या कोई बड़ा एग्जाम आप देने जाओगे तो वो भी ऑनलाइन होगा, सही है नहीं। मतलब जिस चीज को पहले लोग बोल रहे थे ये किसी काम की नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज की डेट में अगर आधार कार्ड आपका लिंक ना हो आपके अकाउंट से, तो यकीन मानिए आप खाते से पैसा भी नहीं निकल पा सकते, आप ही का पैसा आप ही नहीं निकल पा पाओ, ये आलम हो चुका है, एक्सेप्ट किया होगा। और पिछले 20-25 सालों में बेरोजगारी चरम पे, और चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार आम आदमी पार्टी की हो, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा घेरती थी, भाजपा की सरकार है तो आम आदमी सरकार, और भाई आपकी जो कांग्रेस की सरकार है वो घेरती है, और मुद्दा एक ही होता है बेरोजगारी का। पर ये सच्चाई वो भी जानते हैं कि वो बेरोजगारी का कोई सोल्यूशन नहीं ला सकते। इंडिया के अंदर आंकड़े ये बोलते हैं कि आज की रेट में 18 करोड़ यूथ है जो बेरोजगार है, और 18 करोड़ युवा जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार देने का काम अगर कोई इंडस्ट्री सबसे तेजी से कर रही है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हो सकता है कि आज लोग मना कर रहे हैं, हो सकता है कल भी लोग मना करें, लेकिन आने वाले समय में ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जैसे सरकारी नौकरी के लिए लोग 5,000 की नौकरी के लिए 50 लाख देने तैयार हो जाते हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लोग 10-15 हजार रुपए तो देंगे ही देंगे, 25-30 हजार रुपए अंडर द टेबल भी देंगे, मेरी एंट्री ऊपर डाल देंगे। लेकिन उस दिन कामयाब कौन होगा जो आज शुरुआत करेगा, जो आज डिसीजन लेगा। आज आपके सामने जो अभिनीत खड़ा हुआ है वो क्यों खड़ा है, क्योंकि आज से जब 13 साल पहले मेरे सामने इंडस्ट्री आई, मेरे सामने बिजनेस आया, तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने बहाने नहीं बनाए। एक्चुअली क्या होता है हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यूथ के पास ना कोई भी चीज शुरुआत करने के पहले ना 1000 बहाने रेडी होते, चाचा मना कर रहे हैं, पापा मना कर रहे हैं, काका, ताया, बुआ, नाना, यहां जाना, वहां जाना, मूड नहीं है, ये तो सबसे बढ़िया हो गया आज के, कुछ नहीं समझ में आया, मूड नहीं है मेरे पास, इंटरेस्ट नहीं है, कैसा व्यक्ति यार, करियर बनाने में इंटरेस्ट नहीं, पैसा कमाने में इंटरेस्ट, ये बनाने का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की चीज है। पीछे टावर में पड़ा हुआ है लेकिन बंदा बोलता है कि मेरा भागने का मूड नहीं है, आधा भाई काट ले। बड़े चोरों की प्यास लगी है पर पानी पीने का मूड नहीं है, इसलिए प्यासे मर जाओ। भाई साहब मूड कुछ नहीं होता है, इससे बाहर आइए, जो जरूरी है वो जरूरी है, करना पड़ता है आपको, चाहे आप अपनी मर्जी से करिए, मजबूरी से करिए। बहुत सारे लोग जो कोविड की वैक्सीन मर्जी से नहीं लगवा रहे थे, जब तबीयत से कोविड की लहर आई थी ना तो मजबूरी में जा जाके कहीं ना कहीं से जैक लगवा के, भैया भाई वैक्सीन का डोज हमारे लिए बचवा देना, हमको लगवाना,
सही है नहीं? यस। तो कल को मजबूरी में आने से अच्छा है कि आज मर्जी से कर ले, क्योंकि आपके सामने जो बंदा खड़ा है 13 साल पहले इसने अपनी मर्जी से शुरुआत की, तो शुरुआत कीजिए, डिसीजन लीजिए। डिसीजन लेना बड़ा जरूरी है, बिना डिसीजन लिए काम नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर के दो पत्थरों में लड़ाई छिड़ गई दो पत्थरों में। एक पत्थर था जो मूर्ति वाला पत्थर, मूर्ति थी शिव भगवान महादेव की मूर्ति, मूर्ति वाले पत्थर से टाइल्स वाला पत्थर गाली गलौज करने लग गया, बहस करने लग गया, सवाल जवाब करने लग गया। उस मूर्ति के पत्थर ने, महादेव ने बड़े प्यार से पूछा, तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, हम दोनों की जात से हैं, समाज से हैं, लड़ता क्यों है भाई, क्यों गालियां निकाल रहा है? बोले गालियों की बात करता है, गालियों की बात कर रहा है, मेरे हाथ में अगर बंदूक आ गई ना तो तेरा बंदूक से मैं घूम दूंगा, गोली मार दूं तुझे। वो बड़े प्यार से बोला, यार इतनी नफरत क्यों है तुझे मुझसे? भाई तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुझे इतना बुरा लग गया है कि तू मुझे गोली मारने की बात कर रहा है? तो वो टाइस वाला पत्थर बोलता है, जब तू खुद बोल रहा है कि तू भी पत्थर है और मैं भी पत्थर हूं, तो तुझ पर लोग दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, तेरा माला चढ़ाई जाती है तेरे ऊपर, पुष्प चढ़ाए जाते हैं तेरे ऊपर, पूजा जाता है तुझे, और मेरे ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं, मेरे ऊपर लोग आकर के जूते उतारते हैं। जब तुझे इतना पूजा जाता है तो मुझे इज्जत भी क्यों नहीं दी जाती, जबकि तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा? तो मूर्ति वाले पत्थर ने बड़ा हंस के कहा, बड़े प्यार से कहा, यार ये भी तो तेरे डिसीजन का कमाल है, आज तू जहां पर है वहां पर तू अपने डिसीजन की वजह से, मैं जहां हूं अपने डिसीजन की वजह से, ये कौन सी बात होगी डिसीजन, ये फैसला कौन सी बात हो जाती है भाई? पत्थर कोई तूने चुन करके बनाया या मैं चुन करके बनाऊ? ऊपर से तू भी पत्थर बन गया, मैं भी पत्थर बन करके आया। बोले बात पत्थर की नहीं है, उस दिन को याद कर जिस दिन एक मूर्तिकार ने पत्थर को मूर्ति की शक्ल देने की कोशिश की थी। सबसे पहले तुझे रखा गया था और तुझ पर छेनी हथौड़ी के वार पड़ने शुरू हुए, और जब छेनी हथौड़ी के वार पड़ने शुरू हुए तो तू कराने लग गया, रोने लग गया, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं डिसीजन कैसे लूं, अभी तो मैं छोटा हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे परिवार वाले नहीं मानेंगे, अरे मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, अरे मैं कहां किसी के पास जाऊंगा, और भी तरह तरह की बातें, तू रोने लग गया, कराने लग गया, लेकिन मूर्ति का फिर भी तेरे को मूर्ति की शक्ल दे रहा था, फिर भी वो लगातार तेरे ऊपर चोट करते जा रहा था, फिर लगातार चोट पड़ने के बाद जब तुझे समझ में आया कि मूर्तिकार मेरे चिल्लाने से नहीं रुक रहा, तो टूट गया, बिखर गया, तूने बिखरना पसंद किया, और जैसे ही तू टूट के बिखरा, मूर्तिकार को समझ में आ गया कि तुझे मूर्ति की शक्ल नहीं दी जा सकती, उसने तुझे उठा करके किनारे कर दिया, और फिर तुझे नॉर्मल से पत्थर की तरह टाइल्स की शक्ल दी गई। लेकिन जब मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी पड़ना शुरू हुई, जब मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी पड़ना शुरू हुई, दर्द मुझे भी करा, मैं भी रहा था, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि ये दर्द, ये करा, ये मुश्किल, ये चैलेंज कुछ देर की, कुछ समय की है, और उसके बाद जब मूर्तिकार ने मुझे मूर्ति की शक्ल दे दी और जब मैं मूर्ति में बदल गया, तो उसके बाद लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, मतलब एक पत्थर चोट खाके कंकड़ कंकड़ रह गया और दूसरा पत्थर चोट खाके शंकर शंकर कह गया। आप माने या ना माने, आज आप जहां पर भी हैं, आने वाले समय में आप जहां पर भी होंगे, वहां आप अपने लिए हुए फैसलों की वजह से होंगे। यस यस, आज आप जहां पर भी हो अपने लिए हुए फैसले की वजह से होंगे। अगर आप बहुत परेशान हो, हम क्या होता है बड़ा आसान रास्ता ढूंढते हैं, जब भी हमारे से कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, हम उस सारी परेशानी का ब्लेम उठाकर कभी किसी अपने रिश्तेदार पर डाल देते, कभी अपने परिवार पर डाल देते। कई लोगों को मैंने ये भी बोलते देखा है, अरे पता नहीं ऊपर वाले की क्या था भाई, तेरे को कहां इस गरीब मां बाप के घर में पैदा कर लिया। बाप को समझाते हैं कई बार लोग, अपने बाप को बोलने लग जाते हैं, वो शर्मा जी की बेटी मेरे साथ पढ़ती है, उसके पापा ने उसको इतने अच्छे कपड़े दिलवाए, वो वर्मा जी के यहां पर लड़की को ये दिलवाए गए, वो मेरे यहां मेरा दोस्त है, उसके पापा तो उसको भाई बाइक से घुमाते हैं, आप मेरे पैदल चलाते, वो बाप को यूं ही उठाने लग जाते,
उन्हें ये भी नहीं समझ में आता। हो सकता है कि उन्हें मौका ना मिला, हो सकता है उनके लाइफ में उनके सामने कोई प्लेटफॉर्म ना आया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है गरीब से गरीब परिवार भी हो और गरीब से गरीब परिवार में भी माँ बाप की 10 औलादे भी हो तो वो 10 औलादों को ही पाल लेते हैं। और आज की डेट में अमीर से अमीर परिवार में भी हमने देखा है कि भाई 4 बच्चे भी हो ना तो 4 बच्चों से 2 माँ बाप नहीं पल पाते। ये आज की मार्केट की सच्चाई। तो डिसीजन आपका आपको आगे लेकर के जाता है, आपके लिए हुए फैसले आपको आगे लेकर के जाते हैं। चैलेंजेस मेरे साथ भी थे, प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी, डिसीजन लेना मेरे लिए भी मुश्किल था, पैसे की दिक्कत मेरे साथ भी थी, लेकिन एक चीज मेरे अंदर पहले से वहां पर शामिल हो गई थी कि मैं करूंगा बात खत्म, मुझे करना है बात खत्म, ये मैंने सोच लिया था। और मेरे लिए हुए फैसले की बदौलत आज मैं यहां पर खड़ा हूं। मतलब इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, इस व्यापार में आने के पहले शायद मुझे मेरी गली मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता, लेकिन आज ना सिर्फ पूरा इंडिया बल्कि अगर आप YouTube और इंटरनेट पे भी जाएंगे तो मुझे लोग जानते हैं। Yes. पहचान मिली मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले। मैंने सिर्फ अपना लोकल एरिया घूमा था, भोपाल की 2-4 गलियां घूमी थी मैंने, क्योंकि मैं वहां पढ़ने के लिए गया हुआ था। लेकिन इस इंडस्ट्री के आने के बाद मैंने पूरा मध्य प्रदेश, पूरा इंडिया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि फॉरेन की भी 6 से 7 बार सफर किया। आज मैं फॉरेन रिटर्न भी हूँ, विदेश की यात्राएं भी की, और मुझे बताते बड़ा गर्व होता है कि मैं अपने परिवार से, अपने मध्यम वर्गीय परिवारों में से, अपनी मिडिल क्लास फैमिली में से पहला ऐसा बंदा हूं जिसने ना सिर्फ पासपोर्ट बनवाया बल्कि विदेश भी घूम करके आया। इस इंडस्ट्री के अंदर आने के पहले मैं 11 नंबर गाड़ी से चलता था, मुझे एवरेज वाली बाइक दिलवाई गई। जब मुझे भोपाल जाना होता था तो मैं ट्रेन का सफर करता था। जब जबलपुर में मैं आया था पहली बार, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी काउंसलिंग थी तो उसके लिए मैं बस का सफर करके आया। लेकिन आज इस इंडस्ट्री की बदौलत मेरे पास 10.5 लाख की 4 इको स्पोर्ट है। मैं आज की डेट में ट्रेन में एसी कोच में सफर करता हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं मैं इंटरनेशनल फ्लाइट की सफर करके आपके साथ बात कर रहा हूं। और पैसे की बात करें तो पति का टैग बाद में लगा है, करोड़पति का टैग पहले लगा। तो दोस्तों ये पाया है मैंने, लेकिन क्यों पाया मैंने, डिसीजन लिया। डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों, बिना डिसाइड किए नहीं होता। आज यहां से डिसीजन लेकर के जाइएगा, सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़िएगा। कई बार ना लोगों की आधी जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने में ही लग जाती है। एक अंकल हमारे यहां पे अंकल जी थे, बड़े परेशान, बड़े त्रस्त, पता चला बड़े पढ़े लिखे थे। हमने पूछा क्या हुआ इनको, बोले तो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट आदमी इतना परेशान क्यों है, बोले पिछले 25 सालों से शोध कर रहे हैं। किस बात का शोध कर रहे हैं, बोले इस बात का शोध कर रहे हैं कि काली भैंस हरा चारा सफेद दूध कैसे दे। मैंने ये किसी ने समझाया नहीं, बोले जितने बैठे हैं ये 25 साल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब छोड़ यार, दूध पी बढ़िया अपनी सेहत बना और जाकर के कहीं और शुरू कर। कई बार समाज जवाब के चक्कर में जाना पड़ जाते हैं। देखो ज्यादा सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, ये माइंड की पता आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई काम कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये हमारा दिमाग सोचना ही नहीं चाहता। हाँ, कोई दिमाग कोई काम क्यों नहीं चलता, कैसे नहीं चलेगा, उसके हजारों कारण हमारे सामने तुरंत ला के रख देगा। आप देख लीजिएगा, आप पढ़ने में बेहतर से बेहतर भी होंगे ना, आपने पूरी 9 स्टडी की होगी, पूरे साल स्टडी की होगी, आप एग्जाम देने जाना, एग्जाम हॉल के अंदर घुसने के पहले तक आपके दिमाग में चलेगा हमारा सवाल आ जाएगा, मेरे से बनेगा कि नहीं, मैं लिख पाऊंगा कि एटीट्यूड ही नेगेटिव हो जाता है दोस्तों, एटीट्यूड को पॉजिटिव कीजिए। मैं नीचे देख रहा था जब मैं यहां पे हॉल में आ रहा था कि नीचे कोई शॉप है, कोई एक क्लिनिक खुला हुआ है नजरों का इलाज करने, आंखों का इलाज करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, नजरों का इलाज करने के लिए डॉक्टर अवेलेबल है, नजरिए का इलाज कराने के लिए कोई अवेलेबल नहीं। yes, वो आपको खुद करना पड़ेगा। सोच का इलाज करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कई बार ना हाथ दिखाते हैं किस्मत का, भाई कुंडली दिखाते हैं लोगों को, मेरी कुंडली में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ की रेखाएं देखो। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। Yes. हाँ, आपकी रेखाओं में लगे हुए
सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदल के आज तक कोई पार नहीं लगा, एक बार अपनी दिशा बदल के देखो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक सही डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए, विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर आज मैं यहां पे खड़ा हूं तो उसकी दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है विश्वास। लास्ट 5 मिनट है हम साथ। विश्वास करने की आदत डालिए और यकीन मानिएगा विश्वास की कोई शक्ल नहीं, विश्वास की ना कोई दवा भी नहीं, विश्वास की कोई वैक्सीन भी नहीं आती। विश्वास खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ेगा विश्वास। एक बार एक पर्वतारोही, उसने पूरी दुनिया में ढेर सारे पर्वत चढ़े थे, ढेर सारे जो माउंटेन्स हैं उसमें उन्होंने क्लाइंबिंग की हुई थी। नास्तिक थे, ऊपर वाले को नहीं मान गए। एक दिन पहुंच गया माउंट एवरेस्ट के ऊपर कि जब सारी चोटियां मैंने चढ़ रखी हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्यों छोड़ दूं, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ूंगा। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया, चढ़ते 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 पता नहीं अचानक कैसे रस्सी टूट गई, पैर फिसलने लग गया। और होता है जैसे जब मुसीबत आती है ना तो व्यक्ति को कहां याद आती है, अरे बाप रे, या तो मां की याद आएगी, तो बाप की याद आएगी, तो सुपर वाले परवरदिगार की याद आएगी। उसे अचानक याद आई, उसने पूरी शिद्दत से दिल से याद किया, हे ऊपर वाले अगर तू है, अगर वाकई इस दुनिया में तू है, मुझे बचा ले। और पता नहीं कैसे अचानक से चमत्कार हुआ, रस्सी कहीं फंस गई। वो लहू लुहान हो चुका था, पूरे शरीर में उसके स्क्रैचेस आ चुके थे, जगह जगह से खून बह रहा था, और रस्सी फंस गई और वह अचानक से अधर में लटक गया। जैसे ही अधर में लटका, ऊपर वाले से बोलता है कि इस बात को तो तुमने सबूत दे दिया कि तुम हो, लेकिन बचाना है तो पूरा बचाओ, अधूरा क्यों बचाते हो, अधर में लटका दिया हो मुझे। और अचानक ऊपर से आकाशवाणी हो गई, विश्वास का कमाल देखो, आकाशवाणी हो गई ऊपर से। उन्होंने भी बोला विश्वास किया है तो पूरा कर, अगर विश्वास किया है तो पूरा कर, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, जब तुझे गिरते गिरते बचा लिया है तो आगे भी तुझे मरने नहीं दूंगा, एक बार रस्सी छोड़ और नीचे जा। पता हो गया, पागल हो गए हो क्या? अधर में लटका हुआ हूं, नीचे इतनी बड़ी खाई है, अंधेरे का समय, आधी रात का टाइम है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, मारना चाहते हो क्या? जिंदगी भर मैंने तुम्हें मारा नहीं तो बदला लेना चाहते हो मुझसे? रस्सी छोड़ दे, कहां से रस्सी छोड़ूंगा मैं? उसके बाद कोई आकाशवाणी नहीं, वो एक ही बार समझाता, बार बार नहीं समझाता। वो लटका रहा लटका रहा लटका रहा और खून बहने की वजह से रात भर उसकी मौत हो गई। सुबह सुबह आसपास के गांव वाले वहां पहुंचे और लोगों ने देखा कि एक डेड बॉडी लटक रही। लोगों को समझ में आ गया कि लटका हुआ है, इसके चारों तरफ से खून बह रहा है और खून के बहने की वजह से इसकी मौत हो। लेकिन उनको पता है इस बात का ज्यादा दुख नहीं हुआ कि खून के बहने से उनकी उसकी मौत हुई, इस बात का ज्यादा दुख हुआ कि जिस जगह पे वो लटका था और खून बहने से वो मरा था, वहां से जमीन सिर्फ 3 फीट नीचे थी। सिर्फ 3 फीट। लेकिन उस बंदे ने रस्सी नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं किया पूरा। और एक कॉमन सेंस की बात है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर रस्सी नहीं छोड़ी तो मरना तो उसका वैसे भी तय था, अगर विश्वास करके रस्सी छोड़ देता या तो वो मर जाता या तो बच जाता। यस, दो रास्ते थे ना। yes. लेकिन रस्सी नहीं छोड़कर जो वहीं चिपका रहा रस्सी से, उसमें तो मरना वैसे भी तय था। एक सवाल है मेरा आपसे, आज अगर आप ये व्यापार नहीं करते हैं क्या करेंगे? करियर की तलाश में तो है ना? yes. कहीं ना कहीं तो करियर बनाने जाना है। yes. क्या करेंगे? 10,000 की नौकरी की तलाश, 15,000 की नौकरी के लिए घूस, 50,000 की नौकरी का सपना लेकर के फॉर्म भरेंगे, बताइए। या आजकल जो क्रेज में चल रहा है स्टार्टअप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, तो चाय सबका पार खुले या MBA चाय वाली फ्रेंचाइजी लेंगे? आप नहीं करेंगे
तो कौन करेगा? चाचा करेगा, मामा करेगा, ताया करेगा, काका करेगा, फूफा करेगा। गर्ल्स मेजोरिटी बैठी है। आज तक में बाप के नाम से जाना गया है। कहीं जरूरत पड़ती है पिताजी से पैसे मांगती हूँ। आने वाले समय पे कोई ना कोई गधा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा, शादी हो जाएगी, उस गधे के नाम से जानी जाओ। आगे अगर एक घर में एक बच्चा आएगा, वो अगर काबिल निकल गया तो उसके नाम से जाना जाएगा। तुम्हारी पहचान कहां है मुझे ये बताओ? पहले बाप के नाम से जानी गई, फिर पति के नाम से जानी गई, फिर बच्चे के नाम से जानी गई, तुम्हारी पहचान कहां है? कहते हैं ऊपर वाले ने 83 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन दिया है, इंसान बना करके भेजा है उसने। लोग बोलते हैं नहीं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नाम से काम हो जाता। नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता। काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और उस काम से नाम बनाओ ऐसा कि जहां पर भी अपना नाम लो सिर्फ नाम से काम। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अब नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे लल्ला? दो दिन रुक जाओ, चार दिन रुक जाओ, बस हफ्ते भर की बात है, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना। कुछ लोग बोलते हैं सर कल कर ले, और फिर अगला जवाब आता है कल नहीं आता। कल डेली आता है मेरे भाई, आज क्यों निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है? जिंदगी रोज मिलती है, मौत एक बार मिलती है। यस, वो बड़ी हसीन है, लेकिन उसे हसीन बनाना पड़ता है। हमें सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। कभी आपने पढ़ा होगा गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता। कुछ पाने के लिए कुछ कुछ ही नहीं खोना पड़ता मेरे भाई, कुछ करना पड़ता है। यस, तैयार हो, गाड़ियों से घूमने को तैयार हो, सपने देखने को तैयार हो, माँ बाप की उम्मीदें पूरी करने को तैयार हो, बड़ा करने को तैयार हो, तो शुरुआत कीजिए मेरे दोस्तों। रोका किसने? देखिए उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं आंधियां जब भी आती हैं। अरे बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। उम्मीद बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। अरे बड़ा मजबूत है वो धागा जिसे विश्वास कहते हैं। yes. तो विश्वास कीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। yes. ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। अरे अभी तो नापी है थोड़ी सी जमीन, अभी पूरा अंत बाकी है। yes.